सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे ओसवाल की तरफ से जेई मेन चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स पीवाईक्यू बुक है 2019 से लेकर 2024, यानी कि सूटेबल फॉर जेई मेन 2025। इसमें आप देखो क्वेश्चन बैंक यानी कि पीवाईक्यू है, अभी हम मैथमेटिक्स का बुक देख रहे हैं क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तीनों का सेपरेट बुक आता है इस सीरीज में। तो सबसे पहली बात तो कि एनटीए के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से डिजाइन किया गया। अब अगर अंदर चले बुक के अंदर क्या सारी चीजें हैं, तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा कंटेंट्स, जिसमें हमें बता रखा गया पहले लेटेस्ट सिलेबस है जेई मेन का, फिर उसके बाद आपका कुछ 10 टिप्स स्ट्रैटेजी वगैरह बता रखे गए हैं कि जेई मेन को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आपको ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिलेगा 2019 से लेकर 2024 का, यानी कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस वगैरह क्या सारी चीजें, यही तुम्हारे होते हैं ट्रेंड एनालिसिस में, जिसे आपको आइडिया मिलता है कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या सारी चीजें मुझे पढ़नी है, कितना ध्यान देना है। इसके बाद आपको मिलेगा नेमोनिक्स। नेमोनिक्स क्या होता है भैया, तो शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्म में अगर कुछ चीजें याद करनी है, जैसे एक पेज में आपको दिखा देता हूं नेमोनिक्स का, तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से किसी भी चैप्टर को कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीजें याद करने वाली हैं तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्म में कैसे आप याद कर सकते हो। देन आपको देखने को मिलेगा जेई मेन आपका 27 जनवरी 2024 शिफ्ट वन का सॉल्व पेपर, पेज नंबर 24 पे अगर हम चले तो इसमें आपको देखने को मिल जा रहा है जेई मेन 2024 का 27 जनवरी शिफ्ट वन का पेपर है मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैथमेटिक्स का बुक देख रहे हैं हम। सभी क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न में दे रखे गए हैं, उसके बाद आंसर की है, और आंसर की में आपके क्वेश्चन का आंसर तो है ही है, उसके साथ किस चैप्टर से है, किस टॉपिक से है, ये सारी चीजें भी है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है आपको पता चल जाए कि अच्छा इस चैप्टर का मेरा ये टॉपिक कमजोर है तो इस टारगेटेड एरिया पे मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। आंसर की के बाद ये भी देखने को मिलेगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। जैसे सबसे पहले आपने 27 जनवरी 2024 का शिफ्ट वन का पेपर देखा क्वेश्चन पेपर, उसके बाद जस्ट आंसर की, उसके जस्ट बाद आपको देखने को मिलता है आंसर विथ एक्सप्लेनेशंस, डिटेल एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद आपका दूसरा पेपर 29 जनवरी 2024 का शिफ्ट हुए, तो इस तरीके से दो पेपर्स हैं। उसके बाद दो सैंपल प्रैक्टिस पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे, और इनका डिटेल्ड सॉल्यूशंस आपको बुक में नहीं मिलेगा। अगर इनके सैंपल पेपर की ओर बढ़ें तो इनका एग्जैक्टली ऐसा है कि सबसे पहले क्वेश्चंस आपको टोटल 30 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, आपके जो भी न्यूमेरिकल वाले हो गए, ऑप्शंस वाले, एमसीक्यू हो गए, सभी हैं 30 क्वेश्चंस टोटल। उसके बाद आंसर की तो दे ही रखा गया है, लेकिन आंसर की के बाद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसके लिए एक क्यूआर कोड दिया गया जिसे स्कैन करोगे तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। देन आपको देखने को मिलता है चैप्टर वाइज सारी चीजें। अब चैप्टर वाइज किस तरीके से भैया, तो जैसे सबसे पहला चैप्टर सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस ओपन करते हैं पेज नंबर 1 पे, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपका माइंड मैप दिया गया है, जो कि ओसवाल के जितने भी आपके इस प्रकार के बुक्स आते हैं क्लास 11, 12 या फिर जेई मेन वाले, अक्सर तौर पे आपको एक नेमोनिक्स और एक आपका माइंड मैप, ये दोनों चीजें हमें लगभग कंफर्म देखने को मिल जाती है ज्यादातर बुक्स में। तो सबसे पहले नेमोनिक्स तो हमने देख लिया, और अब जब चैप्टर वाइज में आए हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले चैप्टर सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस पार्ट 1 में और पार्ट 2, दो पार्ट्स में आपका डिवाइड कर रखा गया, 3 पार्ट, पार्ट 3 भी हमारा और पार्ट 4 भी है, यानी सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस, ये आपके एनसीईआरटी में एक्चुअली दो चैप्टर्स होते हैं, तो इनका बेसिकली आपका पूरा का पूरा 4 पार्ट्स में आपका माइंड मैप बनाया गया है एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में, एक शॉर्ट नोट्स ही बोल सकते हो एक तरीके से, जो कि थोड़ा पिक्टोरियल फॉर्म में समझने में आसानी होती है। इसके बाद आपको देखने को मिलता है आपका पहला चैप्टर सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस का चैप्टर वाइज, क्योंकि पहला चैप्टर भी देख रहे हैं उसमें पहला टॉपिक आपके दो टॉपिक्स में डिवाइडेड है, सेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, और दूसरा टॉपिक है रिलेशन फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो पहला टॉपिक हम देख रहे हैं सेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, इसमें आपके जितने भी आपके टॉपिक्स इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस हो गए, अब ये किस शिफ्ट में पूछ रखे गए थे, तो ये सारी चीजें किस ईयर में, किस शिफ्ट में, किस डेट को, सारी चीजें बता रखी गई हैं। और किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको डिटेल में और उनका थ्योरी वगैरह लेक्चर्स पढ़ना हो तो इनका क्यूआर कोड स्कैन करके हैंडपिक वीडियोज से लेक्चर्स वगैरह भी देख सकते हो। इसी प्रकार से आपका पहला टॉपिक में 7 क्वेश्चंस है, तो 7 क्वेश्चंस के फिर आंसर की मिलेंगे, उनके डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे आंसर्स। उसके बाद टॉपिक 2 है रिलेशन फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, इसके आपके पीवाईक्यू टोटल इसमें कितने क्वेश्चन दे रखे गए हैं दूसरे टॉपिक के अंदर, आपके टोटल क्वेश्चन हैं 47, तो 47 क्वेश्चन के बाद उसका आंसर की, उसके बाद आंसर विथ एक्सप्लेनेशन, और जहां कहीं हिंट की जरूरत है हिंट वगैरह भी दे रखे गए हैं, ताकि डिटेल अगर आपको पूरा तुरंत आंसर नहीं चाहिए, पहले हिंट वगैरह से कुछ लेना चाहते हो सॉल्व करने के लिए हिंट, तो आप हिंट ले लीजिए फिर उसके बाद वापस सॉल्व करिए, ना हो तो फिर आंसर की वगैरह आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो ये सारी चीजें हुई,
अच्छा किसी किसी क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड भी दे रखे गए हैं कि जेईई मेन में कई कई बार शॉर्टकट मेथड्स भी काम आते हैं। कुछ आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी कहीं कहीं बीच में दे रखे गए हैं। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में पहले आपका क्वेश्चन है कब पूछा गया था, उसके बाद सॉल्यूशन डायरेक्ट। और अगर हम देख ले कुछ और भी चीजें इस चैप्टर के अंदर हो तो इतना कुछ हमारे एक चैप्टर में होता है, ठीक अगले चैप्टर में फिर वही होगा। सबसे पहले आपका माइंड मैप, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पेज में माइंड मैप दिया गया है। फिर उसके बाद आपके इनके पीवाईक्यू दे रखे गए हैं। दूसरे चैप्टर को दो टॉपिक्स में डिवाइडेड है। अच्छा किस चैप्टर को कितने टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा गया है आप कंटेंट्स वाले पेज में भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो यही सारी कुछ चीजें हैं हमारे पास, लास्ट लास्ट पेज तक यही सारे हर चैप्टर के फिर दे रखे गए हैं। अब अगर आपको ये बुक पसंद आ रहा हो, बुक परचेस करना, तो इस बुक का अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा गया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। एंजॉय जर्नी।